नाजरीन, मैं आपका दोस्त फैसल मेहर आज न्यू वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक अंकल है जिन्होंने यहाँ पर इंडियन डिश का आगाज किया है, जिसे हम बड़ा पाव कहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और बनती हुई देखते हैं, टेस्ट करके आपको भी बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। आपको रिव्यू देते हैं, हमारी वीडियो में साथ साथ रहिएगा। जी, ये अंकल हैं हमारे, इन्होंने बड़ा पाव शुरू किया है गुजरांवाला में पहली दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल जी, क्या हाल है? माशाल्लाह, आपने इंडियन डिश का आगाज किया, लोगों को पसंद भी आई है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। चलें आप बनाएं, हम देखते हैं। जी नाजरीन, ये देखें, यहाँ पर यह बांदे स्टीम किए जाते हैं। ये स्टीम होकर जब बाहर आते हैं आपको दिखाते हैं फिर। जी, ये स्टीम होने में कितनी देर लगती है? दो तीन मिनट। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे आ गया बेसन आ गया, और ये बड़ा पाव की टिक्की है जिसे आप फ्राई करेंगे अंकल, तो देखते हैं ये कैसे फ्राई होती है। ये आलू पहले उबाल लेते हैं आप? हाँ जी, आलू उबाल के उसका मसाला बना हुआ है। जी हाँ जी, आलूओं का पहले मसाला बना लेते हैं, फिर बाद में ना ये बेसन में डिप काट के ना फ्राई करने के लिए फेंक देते हैं, अंदर डाल देते हैं। ये देखें कितनी लजीज लग रही है माशाल्लाह। देखे बन स्टीम हो गए हैं, अभी इन्हें रखेंगे बाहर प्लेट में। यह बंगल तैयार करने लगे हैं, तो आप देखते हैं कैसे तैयार होते हैं। बताते जाए अंकल जी, ये क्या क्या? ये मायोनीज। ऊंची आवाज से जरा, ये मायोनीज है? मायोनीज वाली चटनी है। मायोनीज वाली सॉस होगी जी? चटनी है, सॉस नहीं। ठीक हो गया। और ये बड़ा पाव मसाला? ये बड़ा पाव मसाला हो गया। ये आप ये निकालेंगे बड़ा पाव की जो टिक्कियाँ वगैरह जिसे कहते हैं। आयल खुश्क होने तक बाहर रखेंगे इन्हें, तो जब खुश्क हो जाएगा तो फिर इसे बाहर लगा देंगे। ये भी डाल दिया यहाँ पर। अब ये है इमली और बारबेक्यू सॉस। ये इमली और बारबेक्यू सॉस है, ये भी लगेगी। ये बंद कर दी। ये बड़ा पाव तैयार है। ये बंद होगी, तैयार है अंकल जी? क्या बात है, ये तैयार है। अब इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो फाइनली ये हमारे पास आ गया हमारा बड़ा पाव, इसका टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाह, मैंने मुंह में ही पार ली थी। आप यकीन करें इतना टेस्टी है बड़ा पाव, यकीन करें बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आपको इतना मजा आएगा खा के। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो माशाल्लाह मुझे इतना लजीज लगा कि मैं नेक्स्ट दफा भी इनों के पास ही आऊंगा। नेक्स्ट भी जब आया ना मैं इनों के पास ही आऊंगा, बहुत ही लजीज है माशाल्लाह। जी तो इतना टेस्टी है, यकीन करें ये इंडियन डिश है माशाल्लाह। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत मज़ा आया है। तो आपको भी बताते हैं ये कहाँ पर वाक़ है, गुजरांवाला में मौजूद है या ये जगह, तो आपको बताते हैं कि ये किस जगह पर वाक़ है। आप भी आइएगा, ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। इसमें चिकन भी होता है और फ्राइज़ भी होती हैं, वेजिटेबल वगैरह और पाकिस्तानी चाइनीज़ टच ना मिक्स है, तो इनकी अपनी रेसिपी है। तो माशाल्लाह इसके बारे में भी मैं अंकल से पूछता हूँ और आपको बताता हूँ। जी अंकल, ये आपकी अपनी रेसिपी है, तो इसका नाम जंगली बर्गर क्यों है और क्यों नहीं? ये इसका नाम जंगली इसलिए है,
कि जैसे जंगली पुलाव होता है ना जी जी, अंदर ही वेजिटेबल होती है, चिकन होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हमने जेन में रखते हुए ना इसको बनाया है। इसके अंदर ही फ्राइज़ हैं, इसके अंदर ही वेजिटेबल्स हैं, इसके अंदर ही चिकन है, ज़्यादा चिकन होता है, चीज़ है, और ये बिल्कुल डिफरेंट बर्गर है। यानी कि अगर आप खाएंगे आपको मज़ा आएगा। जस्ट 160 में है और बड़ा ही सस्ता। क्या बात है माशाल्लाह। तो ये आपके पास ही अवेलेबल है? हाँ, ये हमारी अपनी रेसिपी, अपनी रेसिपी है। तो गुजरांवाला ये पाकिस्तान में किसी के पास नहीं जी। तो नाज़रीन, ये इनके पास अपनी रेसिपी है, तो इनके पास और किसी के पास नहीं है जी। तो दोस्तों, मैंने बड़ा पाव खाया है, तो जो बहुत ही टेस्टी था, मैंने आपको रिव्यू दिया है मैंने वीडियो में। तो अब ये बनाने लगे हैं जो इनकी अपनी रेसिपी है, चिकन बड़ा पाव जिसे कहते हैं। ये इन्होंने ना खुद बनाना है, बनाया है, तो इनकी अपनी रेसिपी है। तो आए देखते हैं कि, मुझे भूख तो नहीं थी लगी, लेकिन इनका टेस्ट किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो इनका वो भी रिव्यू आपको दिखाता हूँ कि चिकन कैसा है। वरना प्लेट आ गई है दोबारा से मेरी। तो यहाँ पर ये जोन सी है बड़े पाव की टिक्की है, ये चिकन वाली है, ये मैंने ट्राई की है। अब ये ट्राई करते हैं कैसी है, मैं आपको बताता हूँ। ये डालें, ये हाफ फ्राई होती है जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। ये फुल फ्राई करते हैं जब कोई कस्टमर आके ऑर्डर वगैरह देता है, तो जब तक होती है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये स्टीम होने के लिए सारा प्रोसीजर वगैरह सारा वही है। यही इसकी सॉस अलग होती है। अच्छा, इसकी सॉस अलग है बड़े पाव से? ये कौन सी सॉस है? इसकी सॉस होती है, उसकी चटनी होती है। सही, बड़े पाव की चटनी होती है। और जो इनकी अपनी रेसिपी है, वो जो बड़ा पाव है चिकन वाला, ये इनकी अपनी रेसिपी है, और ये अपनी इनकी सॉसेज वगैरह जी। तो ये निकाल के रख लिया है, अब इसका ऑयल खुश्क होने तक इसे रखेंगे यहाँ पर। ये सारा चिकन जी, ये सारा चिकन है। थोड़ा सा खोल के दिखा दे नाज़रीन को ना, ये हो जाए। ये सारा चिकन है माशाल्लाह, क्या बात है। ये केचप वगैरह जा रही है। अब मैंने पहले भी बताया था कि इसका ना टेस्ट अलग है और जायका भी अलग है। जैसा कि मैंने आपको वो बड़ा पाव दिखाया था, ये चिकन वाला बड़ा पाव है जो इनकी अपनी रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह, है वही चीज़, लेकिन ये जो टिक्की वगैरह है ना इनकी, ये सारी चिकन से तैयार हुई है माशाल्लाह। देखें कितनी कमाल की लग रही है, आपको इसका भी रिव्यू देता हूँ। जी जी, बिल्कुल भूख नहीं थी मुझे, यकीन करें। घर से मैं खाना खा के आया था, यहाँ पर इनका बड़ा पाव खाया, तो मैं ना फुल हो गया था। लेकिन इनकी जो खुशबू वगैरह ना, वो इतनी कमाल की है कि खींचा आ जाता है बंदा कि इसे टेस्ट करें। तो इनकी जो अपनी रेसिपी है, मैंने वो भी ट्राई की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यकीन करें। कभी आप भी आएँ तो लाजम टेस्ट कीजिएगा जी। तो ये अंकल है माशाल्लाह, ये साथ में भाई हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने टेस्ट वगैरह किया है। ये इसका मैं एड्रेस बता दूँ आपको, ये खीजर टिक्का शॉप गोंदला वाला रोड है, गुजरांवाला पे खीजर टिक्का शॉप के बिल्कुल सामने है। कभी आपका गुजर हो या कभी फाक ना पाए, तो इनका टेस्ट लाजमी करके जाइएगा, बहुत ही टेस्टी है। अगर ऐसा कि मैंने जंगली बर्गर आपको आप पहले दिखाया है, इसकी कीमत 160 है, तो नीचे आ जाए। इनका जो बड़ा पाव है वो 40 का है, वो नीचे आ जाए, वो 80 रुपये का दे रहे हैं बड़ा पाव चिकन वाला। तो फ्राइज़ है इनकी, ये नीचे ये सारा देख लें, बॉक्स है इनका सारा, चिकन वगैरह का प्रोसीजर है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लगा मुझे खा कर, इनका टेस्ट वगैरह बहुत ही अच्छा है। ये इनकी शॉप है, तो माशाल्लाह सफाई भी बहुत ही अच्छी है, क्या बात है। ये इंडियन डिश है, तो यहाँ पर गुजरांवाला में पहली दफ़ा इन्होंने आगाज़ किया है। तो आप, मेरा मशवरा है कि आप लाजम ट्राई कीजिएगा। तो नाज़रीन, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल मेहर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई जगह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।